एनसीपी में टूट और शरद पवार के भतीजे की बीजेपी में शामिल होने के बाद महाराष्ट्र पर एक बार फिर निगाहें टिकी हुई हैं। महाराष्ट्र की सियासी उठापटक के बाद आज एक बार फिर शरद पवार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक मंच पर नजर आने वाले हैं। दरअसल आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुणे के दौरे पर हैं। सुबह 11 बजे दगड़ूशेठ मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। सुबह 11:45 पर पीएम मोदी को लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। पुरस्कार समारोह में शरद पवार चीफ गेस्ट हैं, वहीं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार भी शामिल होंगे। दोपहर 12:45 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेट्रो ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे, कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ऊर्जा संयंत्र का भी उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने 6400 से ज्यादा घरों की आधारशिला भी रखेंगे। वहीं लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह पर भी सबकी निगाहें रहने वाली हैं।